हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज मनीष शर्मा फ्रॉम मेक माय स्टॉक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल मेक माय स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन क्लिक कर लीजिए। और अगर किसी ने ट्रेड स्मार्ट में डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो हमने यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया है चैनल के होम पेज पर, जहाँ से जाके आप डीमैट अकाउंट के लो ब्रोकरेज के डीमैट अकाउंट ओपन करने के रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, जो भी हमारा ओपन ट्रेड था, निफ्टी का जो हमारा बुलिश बायस्ड हेज ट्रेड था, इसमें हमने प्रॉफिट बुक करने के लिए एडवाइस कर दिया था। इसके बाद हमने थॉमस कुक में जो पोजीशन बनाया था उसमें भी ऑलमोस्ट 25% के अपसाइड में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। और इसके अलावा हमने एक और स्टॉक पोजिशनल ट्रेड व्यू के हिसाब से शेयर किया था, फोर्टिस हेल्थ केयर। फोर्टिस हेल्थ केयर अभी लास्ट फ्राइडे को 185 का हाई बनाया था, 165 टू 170 के बीच में हमने इसमें एंट्री बनाने को बोला था। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 8-10% का प्रॉफिट रनिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे और ट्यूजडे और एक नेक्स्ट एक दो दिन में इसमें एक और अपसाइड आ सकता है। तो 190 टू 200 के बीच में अगर ये स्टॉक प्राइस ट्रेड करता है तो इसमें भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके अलावा हमारे पास अभी कोई पोजीशन ओपन नहीं है। चलिए हम निफ्टी पे थोड़ा बहुत रिव्यू करते हैं। निफ्टी का जो पोजीशन है ऑलमोस्ट 14,950 के आसपास ये क्लोज हुआ है। ये हमने एक सिंपल बेसिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है लास्ट 6 मंथ्स का, तो ये ऑलमोस्ट 14,700 के आसपास इसका एक सपोर्ट जो नाता है। 14,750 एक प्रीवियस टॉप भी था जहां पे एक सपोर्ट लेवल है। तो अभी तक तो मार्केट में बुलिश व्यू ही है, बट मे बी नेक्स्ट 1 or 2 days के लिए मैक्सिमम एक बुलिश व्यू मुझे दिख रहा है। बट ओवरऑल मैं मार्केट में लॉन्ग नहीं करूंगा। एक इंडिकेटर अगर देखते हैं तो काफी कूल्ड ऑफ है। RSI 52 है, स्टोकेस्टिक 65 के करीब है, विलियम परसेंटेज भी 51 के आसपास है। तो नहीं ओवर बॉट है, नहीं ओवर सोल्ड है, तो कूल ऑफ है मार्केट ऑलमोस्ट। सो मे बी 200 पॉइंट का एक अपसाइड आ सकता है और इमीडिएट जो प्रीवियस हाई बना था 15,200-15,300 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। बट अभी हमारा जो व्यू है, अभी हम मार्केट में लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाने वाले। इसका रीजन ये है कि अगर आप निफ्टी का पी देखते हैं, ये लास्ट 20 ईयर्स का निफ्टी पी का चार्ट है। एक सेकेंड, इसको लोड होने देते हैं। इसमें अगर आप देखते हो तो अभी करेंटली इसका निफ्टी का पी 41 के आसपास चल रहा है। तो 41 का इसका निफ्टी पी अभी करेंटली चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट टॉप पे है लास्ट 20 इयर्स का। अगर आप ये निफ्टी का पी देखते हो तो एक हाई बना था 2000 में जो कि ऑलमोस्ट 29 के करीब था, फिर सेकेंड हाई बना था 2008-09 में जो कि अगेन 29 के आसपास था, और फिर एक 2019 में एक 19 टू 20 के बीच में खाई बना जो अगेन 29 और 30 के बीच में। तो ये सारे पिक को एक बार क्रॉस करके ये ऑलमोस्ट 42-43 के आसपास गया था और ये 41 के आसपास ये जोन पे अभी ट्रेड कर रहा था। बहुत ही ओवरबॉट सिचुएशन है अगर मैं निफ्टी पी को अगर कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ से अगर फंड आउटफ्लो होना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी मेजर लेवल पर डाउनफॉल आ सकता है, जो कि प्रीवियस जो पी था 30 के आसपास पी आने का इसमें उम्मीद है। अगर आप फंड फ्लो की बात देखते हो तो लास्ट फ्यू डेज से क्लाइंट फुल्ली इंडेक्स में, निफ्टी इंडेक्स में फुल्ली लॉन्ग साइड में है। अभी करेंट पोजीशन अगर देखते हो तो बाई साइड में ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है लॉन्ग साइड में क्लाइंट के, जबकि FIIs ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड में काफ़ी रिड्यूस किए हैं, लेस देन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो एनी पॉइंट एनी मोमेंट वो अपने सारे लॉन्ग पोजीशन डंप कर सकते हैं। कैश में भी अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट लास्ट फ्राइडे को भी 2000 करोड़ का सेलिंग था और उन्होंने सेलिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी, तो डंपिंग स्टार्ट है। तो पंप एंड डंप स्ट्रेटजी अभी है FIIs का। तो नॉर्मली ये क्या करेंगे, 200-300 पॉइंट थोड़ा ऊपर खींच के और क्लाइंट को और भी लॉन्ग साइड बनाने की कोशिश करेंगे और पोजीशन अपना डंप करेंगे। इसलिए हम अभी लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड लेने का प्लान नहीं कर रहे हैं। हमारा जो प्लान रहेगा अभी अभी जो नेक्स्ट ट्रेड प्लान है वो जो मेरा सजेशन है इसके लिए आप अपने एंड से भी एनालिसिस करके ही आप ट्रेड एंट्री करें। बट जो पोजीशन मैं ऐड करने वाला हूँ और मैं एडवाइस करूँगा वो है निफ्टी 25th मार्च का आपको ऐड करना है। इसमें मैं हेज ट्रेड नहीं बताऊंगा, इसमें मैं एक्युमुलेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि बेयरिश व्यू के बेसिस पे रहेगा। तो मेरा व्यू क्या है कि अभी 200-300 पॉइंट अप जा सकते हैं, बट डाउनसाइड के चांसेस ज़्यादा ओपन होंगे। तो जितना ही ऊपर जाता है वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन एक्युमुलेट कर सकते हो।
सो 15,000 का जो पुट है ये आई थिंक 360 के आसपास चल रहा है ये, बट ये आपको बाय करना है 300 के आसपास, और आपको इसमें टोटल टोटल जो एक्युमुलेशन है वो 4 लॉट्स करना है। तो 4 लॉट्स आप में भी पहले आप 2 लॉट बाई करो, फिर एक लॉट करके एवरी अपसाइड में आप इसमें एडिशन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको इसमें एक्युमुलेट करना है ये पीई को 15,000 का मार्च का पुट जो है उसको 300 और उसके बिलो आसपास 300 से आपको बाइंग स्टार्ट कर देना है, और उसके और नीचे आता है तो आप एक लॉट करके ऐड कर सकते हैं। सो टोटल आप 4 लॉट्स ऐड कीजिए और पोजिशन को होल्ड रखिए। सो हमारा भी व्यू यही है कि थोड़ा बहुत 200 पॉइंट का अपसाइड 300 पॉइंट का अपसाइड आएगा, बट वहाँ पे हम पुट ही ऐड करेंगे, शॉर्ट पोजिशन ही ऐड करेंगे। और ये पोजिशनल व्यू है, मे बी 2 वीक्स का होल्डिंग व्यू से है, और हमारा टारगेट इसमें 1,000 तक के प्रीमियम का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अभी एक हमारा यही व्यू है। अभी हम स्टॉक्स में भी कोई नया रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। 40s भी अगर थोड़ा और अपसाइड आता है तो इसमें हम कल पोजीशन बुक करेंगे, और नया पोजीशन कोई भी हम ट्रेड अभी स्टॉक्स में नहीं बनाएंगे, निफ्टी में हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। ये हमारा व्यू है, आप अपने से एनालिसिस करके ट्रेड आप इंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।